15 मिनट में सस्पेंशन लेटर उसका मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ जाएगा ना, मैं पूछ रहा हूँ 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर आ जाएगा कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन लेटर भेज दूँ? 15 मिनट में मैं जहाँ से 15 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा जा पाऊँ उससे पहले उसका सस्पेंशन लेटर आ जाना चाहिए, और नहीं तो 16वें मिनट तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मैं भेज दूंगा। यह उत्तर प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। मंत्री जी हरदोई में आलू किसानों की समस्या को लेकर कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ बैठक करने पहुंचे। बैठक के बाद मंत्री जी कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी। लेकिन भैया मौके पर कोई कर्मचारी नहीं मिला तो मंत्री जी का पारा हाई हो गया और लगे भड़क, और उन्होंने फोन पर ही कर्मचारियों को निलंबित करने और लखीमपुर के जिला उद्यान अधिकारी को बैड एंट्री का आदेश दे डाला। मंत्री जी का पारा इतना हाई हो गया कि मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी आपत्तिजनक भाषा में फटकार लगा डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही है, वही तो लाएंगे, बड़ा बड़ा कहाँ से लाएंगे, जो खेत में हुआ वही तो लाएंगे। बोलते हैं पूरा भाड़ा जमा करो या तो वापस ले जाओ, सीधी बात नहीं बताते हैं। किसान यहाँ भटक रहा है इधर उधर। ये ड्यूटी लगाई गई थी कोल्ड स्टोर के हरदोई में, सांडी में है। कौन कोल्ड स्टोर का नाम है? अश्विनी कुमार कोल्ड स्टोर पर आपके किसी कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ लगी थी और मैं उस कोल्ड स्टोर पर खड़ा हूँ, कर्मचारी आपका गायब है। 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर उसका मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ जाएगा ना? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर आ जाएगा कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन लेटर भेज दूँ? 15 मिनट में मैं जहाँ से 15 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा जा पाऊँ उससे पहले उसका सस्पेंशन लेटर आ जाना चाहिए, और नहीं तो 16वें मिनट तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मैं भेज दूंगा, और शिथिल पर्यवेक्षण के लिए तुम्हारे खिलाफ भी अभी मैं बैड एंट्री दर्ज कराता हूं। तुम्हारा पर्यवेक्षण शिथिल है, तुम्हारा आदमी यहां पर ड्यूटी पर क्यों उपस्थित नहीं है? तुम्हारी बैड एंट्री और उसका सस्पेंशन दोनों हो रहे हैं। डीएचओ साहब, तुम सुन रहे हो जो किसान कह रहे हैं? नहीं सर, वो बता रहे कि सुबह से खड़े हुए हैं। और क्या सुना तुमने? कान खोल लीजिए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं लंगड़ा आदमी साला पैर टूटा तो भी दौड़ रहा हूँ। वो कह रहा कि मैं पहले कह जा रहा पहले पैसा जमा करी तब मैं कोल्ड स्टोर में आलू लूंगा। छोटा नहीं लूंगा, छोटा कोल्ड स्टोर में चाहे जो आलू लेके आएगा किसान उसका रखा जाएगा। इतना 50,000 लगाए वो यहाँ लाए हैं और फिर ले जाए घर। सुबह से कल 11 बजे से 11:15 रात को लाए, एक ही ट्राली थी बाबा की, सुबह को आई मैंने कहा अंदर ले लो, बोला ये दो ट्राली लो, फिर जिसकी लगता है पोस्ट हुआ है उसी के अंदर लेते, हमारी ट्राली पे हाथ रख दिया, ये दो रोक लो ये अंदर ला दो, वो दो ट्राली उतर गई मेरी बाहर है। बयान लिखो, फोटो FIR करवा दो। इनकी नोट कर रहे हो, इनकी बात, इनकी कोई लेप कर रहे हो ना? जी सर। कब आए हो तुम? 11:15 रात को। 11:15 रात को तब से खड़े हो? खड़े हैं, ट्राली अंदर नहीं आ पाया तो अंदर अभी ट्राली हुई है, दो ट्राली हमारे पीछे थी वो अंदर हो गई, और हम किसान आदमी नहीं हुए वहां तक पहुंचे, जब आप अनुमति देंगे तब ले आएंगे, बाद बाकी जा रहे हैं खाली हो रहे जा रहे हैं। क्या तुमसे भी कहा गया कि पहले किराया जमा करो? हाँ, कहा गया, कहा गया, कहा गया, कहा गया, कहा गया, हम पूरा भाड़ा जमा करने को तैयार थे, लेकिन आलू दूसरी गाड़ी तो मंगवा दी, मेरी गाड़ी वहीं पर लगवा दी कि गाड़ी ठोक दो, मैंने तो किसान आदमी कमा के गाड़ी ली है। दरअसल मंत्री की कोल्ड स्टोरेज पहुंचते ही वहां मौजूद आलू किसानों ने शिकायतों का अंबार लगा दिया, वहां तैनात उद्यान विभाग के कर्मचारी भी अनुपस्थित मिला, जिसके बाद मंत्री जी का पारा और हाई हो। उन्होंने DHO लखीमपुर को खूब खरी खोटी सुनाई, अनुपस्थित कर्मचारियों को सस्पेंड करने का निर्देश दे डाला। इस दौरान किसानों की समस्याएं सुनकर मंत्री जी का गुस्सा और बढ़ गया, उन्होंने DHO हरदोई को भी सस्पेंड करने का आदेश दे डाला। बता दें कि बीते दिनों अखिलेश यादव ने बयान दिया था अब की बार आलू गिराएगा सरकार, इसके बाद से आलू किसानों की बदहाली को लेकर राजनीति गर्म हो गई। आलू किसानों की परेशानियों का निस्तारण करने के लिए सरकार ने आनन फानन में अपने मंत्रियों और विभाग के अफसरों को मैदान पे उतार दिया। वहीं मैदान पे पहुंचे अब मंत्री का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।